नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टीजेड। जनपद उन्नाव के तिसरौड़ गांव के गौशाला में जानवरों को चारा देना युवक को पड़ा महंगा। अराजक तत्वों ने बरसाई लाठियां। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भले ही गौशालाओं के निर्माण के लिए खजाना खोल दिया हो, लेकिन अराजक तत्वों ने जिस तरह से सरकार को बदनाम करने के लिए अपने मंसूबों को मजबूत किया है, वह देखते ही बनता है। जी हां, उन्नाव जनपद में एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है। पूर्वा विकास खंड के ग्राम सवा तुसरौर में जहां खंड विकास अधिकारी के दिशा निर्देश पर गौ संरक्षण हेतु गौशाला का निर्माण युद्ध स्तर पर हो रहा है, वहीं किसानों की फसल को बचाने के लिए खंड विकास अधिकारी पूर्वा ने विकल्प के रूप में गौशाला हेतु एक मेट को नियुक्त किया था, लेकिन अराजक तत्वों का दुस्साहस इतना अधिक बढ़ गया कि उस मेट को जमकर लात जूतों से पीटा और इतना ही नहीं, अपने रसूख का प्रयोग करते हुए उसने मेट राम नरेश को जाति सूचक गालियों से भी नवाजने से परहेज नहीं किया। ऐसे आताताई जो सरकार के कार्यों में खलल उत्पन्न करने वाले हैं, इन पर शायद पूर्वा कोतवाली पुलिस भी मेहरबान है। तभी तो जब मेट को जबरन पीटा जा रहा था, उस समय का दृश्य समाचार टीजेड के प्रतिनिधियों ने दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरह गौ संरक्षण करने वाले लोगों के ऊपर ऐसे अराजक तत्वों का जूता बरसता है। एक तरफ सरकार गौ पालन बढ़ावा दे रही है तो दूसरी तरफ अराजक तत्व सरकार की मंशा पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं और उन्हीं के कर्मचारियों को प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और अराजक तत्वों का सजा देने का काम कोतवाली पुलिस बखूबी कर रही है। समय रहते अगर ऐसे लोगों को दंडित नहीं किया गया तो सरकार को बदनाम करने वाले अराजक तत्व अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे और गौशाला निर्माण या गौपालक मार खाकर सरकार का काम नहीं करेंगे। समाचार टीजेड के लिए उन्नाव से मनीषा यादव की रिपोर्ट।